हलाई मैमन जमा 2017 के इंतखाबात बादुपुरा कॉलोनी में मुनक़द हुए। 19 मार्च 2017 को दिन जो है ये इंतखाबात अमल में आए और मोहम्मद शब्बीर भोजानी पैनल को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए मोहम्मद शब्बीर भोजानी सदर साहब से बात करने के लिए यहाँ पे हम मौजूद है। शब्बीर भोजानी साहब, ये जो इंतखाबात हुए तो इसमें क्या हिकमत अमली आपने तय की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमें जो है कामयाबी हासिल हुई है और काफ़ी सालों के बाद हमारी जो है सोसाइटी है 55 साल पुरानी सोसाइटी है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है यहाँ पर क़ायम किए थे और वहाँ से जो है काम चालू हुआ था हमारा और हमारे बुज़ुर्ग लोग बीज बोए थे कि जो है सोसाइटी में जो कोई भी गरीब है उनकी मदद की जाए। तो रफ्ता रफ्ता जो है हर वक्त के प्रेसिडेंट ने अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की है और काफ़ी यहाँ तक जो है पहुँचाया है और काफ़ी जो है वक्त के बाद हमारे पास इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के अंदर काफ़ी जो है जोश व खरोश से जो है लोग जो है वोट डाले हमारी सोसाइटी के और रब ताला के एहसानात इतने रहे कि बहुत जो है पूरा मन तरीके से हमारे जो है इलेक्शन मुकम्मल हुए और रिज़ल्ट भी जो है रात में उसी दिन रात में जो है डिक्लेयर हो गया और काफ़ी जो है भारी अक्सरियत से जो है आवाम जो है हम मेरे को जो है खिदमत का मौका दिए हैं। आपके मैनिफेस्टो में जो है जैसा कि जो है हर जीतने के बाद में जो है मैनिफेस्टो रहता है, तो मैनिफेस्टो के अंदर जो है आप किन चीज़ों पर जो है ख़ास तवज्जो देंगे? मेन हमारे पास जो है इस वक्त मेडिकल के लिए है, एजुकेशन के लिए है और पहले तो हम जो है ये दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे। दूसरा है हमारे पास जो अभी जो फ्लैट्स बने हैं उसको सही तरीके से मेंटेन करना और हमारे पास जो है मेंबर्स हैदराबाद में ऐसा हमारे अंदाजे के हिसाब से 20,000-21,000 के आसपास है लेकिन मेंबरों की तादाद हमारे पास रजिस्टर्ड बहुत कम है क्योंकि कल इलेक्शन के वक्त पे बहुत से लोग आए थे जो वापस हुए हैं, जो मेंबर हैं वो डाल सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबको पहले मेंबर बना लेंगे, वो मेंबर जो जुड़ सके कम्युनिटी से। और मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है एम्बुलेंस का इरादा रखे हैं और जो कोई भी हजरत ज़रूरतमंद है उसे इमीडिएट एड मिल सके। 24 आवर्स हम एक एड चालू रखना चाहेंगे, फ़ोन नंबर हम देंगे कि इंशाल्लाह कोशिश में है हमारी ताकि किसी कोई जो है मुस्तैक को अगर सडन ज़रूरत पड़ती है तो हमारे तरफ से जमात के तरफ से कोई इमीडिएट पहुंचे वहां पर हॉस्पिटल को और जाके उसके बारे में जो है जो कुछ भी जो है स्टेप लेना है वो ले सकें। दूसरा हमारा एजुकेशन का है, एजुकेशन के अंदर अभी हमारे पास जो है हम ऑलरेडी जो है हमारे पुरानी कमेटी जो है काम कर ही रही थी, इसमें और मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट्स लाना है। जैसे कि जो है अब एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर आपने बात की है तो मैमन कम्युनिटी ख़ास तौर पे जो है बिज़नेस सेक्टर में जो है जाना माना जाता है और दूसरे सेक्टर्स में भी जाना माना जाता है, तो एजुकेशन की तरफ आप जो है ख़ास तवज्जो देने के लिए? एजुकेशन ही फ्यूचर है हमारे यंगस्टर्स का, बच्चों का अभी, क्योंकि आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी जो है बच्चे जो है डॉक्टर भी निकल रहे हैं, इंजीनियर्स में भी जो है आगे जो है आ रहे हैं। तो हम ऐसे जो कोई भी जो ज़रूरतमंद है और जो है तेज़ है पढ़ने में करने में उसे हम हमारे तरफ से भी पर्सनल स्कॉलरशिप भी जो है देंगे। अगर वो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, पहले भी भेजे हैं हमारे पास से अब्रॉड में, हमारी और एक ऑल इंडिया मैमन फेडरेशन है, वर्ल्ड मैमन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी जो एड्स आते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए वो लोग फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को उम्मीद है और हम इसके अंदर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। अभी जो साबिका हमारे पास स्कूल में बुक्स के लिए भी पैसा दिया जाता है, ड्रेस के लिए, उनके शूज़ वगैरह के लिए भी पैसा दिया जाता था, उसमें भी जो मज़ीद जो है कुछ अच्छाई जो जो भी हो सकती है वो करेंगे। वीडो फंड भी दिया जाता है हमारे पास, साबिका कमेटी में भी दिया जाता था, उसमें भी क्या बेहतरी हो सकती है वो करेंगे। हालई मेहमान जमात का जो प्लेटफॉर्म से जो है आप जो मैसेज देना चाहेंगे वैसे तस्वीर वो क्या मैसेज रहेंगे आप तो हलाई मेहमान जमात के तल्लुक से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारी जो आज टीम चुन के आई है उस टीम को अल्लाह ताला जो है
हम जो मकसद लेकर आए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो रहा है, हम जो करने के वायदे करें हैं, वो पूरे हर काम में हमारे को जो है मदद फरमाएं, और हमारे को हमारी पब्लिक, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हमारे को सपोर्ट करें, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम वो मुस्तहिक तक जो है उसका हक पहुँचाने की कोशिश करें। क्लास कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी के लिए, तजारती फ़रोग के लिए हलाई मेमन जमात की तरफ से आप क्या इकदाम करें? इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेंगी कि जो भी जो है मिडिल क्लास लोअर में है, जो कारोबार करना चाहते हैं, हम एक सब कमेटी बनाएंगे जो बिना प्रॉफिट के कोई ऐसा, जैसा इंटरेस्ट वगैरह बोलते हैं, इंटरेस्ट तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हराम है, तो वो चीज़ को तो हम कभी लाएंगे भी नहीं, बिना कोई चार्ज के उनको हम हमारे पास से, कम्युनिटी के पास से लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिसके हैंड लोन खर्ज़े हसना कहा जाएगा, वो उस तरीके का लोन कराएंगे जो वापस वो आसान किस्तों पे दे सके। ये हमारी कोशिश रहेगी और हम इसको जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि छोटे तिजारत वालों को किसी के पास से जो है पैसा लेके काम करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा और एक हमारा ख्वाहिश रही कि हम देखते हैं उमूमन पूरे हिंदुस्तान में जब कभी भी जो है गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म होती है, सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सब लोग जो है एक गरीब का और एक अमीर का काटते हैं और गरीब को गरीब के लिए भरते हैं, और मरता है इसमें मिडिल क्लास। तो हमारी कोशिश यहाँ पर अब ये जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कोई तकलीफ़ ना आए, जिस किसी के पास ज़्यादा घर नहीं है, मिडिल क्लास इन द सेंस 10-20 हज़ार रुपये, 15-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और मगर घर नहीं ले सकते हैं, उनके लिए भी हम घरों की कोशिश करेंगे, और आसान इंस्टॉलमेंट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम उनसे जो है कोई प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, और जितना हो सकता है हमारे तरफ से उनको कोऑपरेट करने की और मदद करने की कोशिश करेंगे। ये जमात की तरफ से रहेगी, कोई ज़ाती तौर से जो है कोई मदद नहीं है, और ये जो भी हो रहेगा जमात के ज़रिए ही रहेगा, जमात इन द सेंस हमारी सोसाइटी। ख़ास तौर पे मैं हमारे बरादरी के बुज़ुर्गों का और भाइयों का, दोस्तों का जो है मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कल 19 मार्च 2017 को जो आके मेजॉरिटी में वोटिंग किए, वो बहुत जो है एक्साइटमेंट वाला जो है मोमेंट था, और उनको तो जो है मैं काबिले तारीफ जो है मेरे तरफ से ये रहेगी कि हर वो शख्स 70 साल, उसमें 80 साल के भी बुज़ुर्ग थे, जवान सब जो है वहाँ पर जो है हाज़िरी दिए और वोट डाले हैं, वो सबसे बड़ी जो है हमारी कामयाबी रही। और मैं उन सब का, जितने हमारे वोटर रहे हैं और वोट नहीं डाल सके हैं, उनका भी सबका मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारी पूरी जो है कमेटी के मेंबरान की तरफ से भी जो है सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे मोहम्मद शब्बीर भोजानी, जो हलाई मेमन जमात के सदर, जिनसे हम जो है मऊ गुफ्तगू थे, वो तफसीली रोशनी डाले मैनीफेस्टो के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। BBN न्यूज़ के लिए मैं सलाउद्दीन, रिपोर्टर।